मजाक नहीं कर रहा हूँ यार गोपी, 75 पराठे। मेरी सास में तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, नाश्ते में कोई 75 पराठे खाता है? और मैं बनाता बनाता मेरी हालत खराब हो गई है। बनाते बनाते बस। आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? आपकी नानी मर गई या बीबी ने ज्यादा पराठे बनवा लिए? गोपी मजाक करने की भी हद। तुम शोर मचाएंगा तो वो उठ जाएगा। कौन उठ जाएगा? हमारा डैडी जॉन। ओ तुम्हारा डैडी जॉन है तो मम्मी कौन है? बिपाशा। अरे यार गुलगुले, मैंने मजाक किया, तुमने मुझे टोक दिया, अब खुद। सॉरी सॉरी यार। हु इज डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन वो है जो अंदर में सो रहा है। Oh, Daddy John, where have you gone? आलिंग मैडम, रायता फैल गया। क्या कह रहे हो यार, सारा का सारा फैल गया? ये मतलब तुमने चखा भी नहीं? नहीं। मतलब ताजे दही का रायता तो तू बन जा रायता, घुस जा उसमें, बूंदी बन जा तू, संगम कर ले रायते के संग। सॉरी सॉरी। क्यों पिटवा रहा है हवलदार ने? पिटवा नहीं, मितवा। किसका मितवा? खुद का मितवा, रायता फैल गया। कंफ्यूजन। अबे जो कहना है जल्दी कह, वरना वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की मटरी की गठरी खुल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की डाकू डॉल्फिन। मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। क्या हो गया? रायता फैल गया। ऐसा है, अभी तो रायता फैला है, मैं आलू टमाटर की सब्जी और तड़के वाली दाल और जो मटर पनीर सब फैला दूंगी यहीं। मैं कहता हूँ मैडम, देखिए मैडम, मेरा नाम है रायता, मतलब कि मितवा दीवाना, रायता फैल गया। मैडम मैडम, मेरी है ना एक लड़की के साथ शादी हुई है। ओह, इसमें क्या है यार, ये तो एकदम नेचुरल सी बात है, आदमी शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा ना। तुम भी आप मेरी बात पूरी तो सुनिए, मेरे कंसंट्रेशन है ना, ब्रेक मत कीजिए। मैडम हुआ ये कि मेरी एक लड़की के साथ लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह हुआ है, तो उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी है कि मैं उनके साथ शादी के बाद एज ए घर जवाई रहूं। बस ये शर्त मैंने मान्य कर ली और तब से मेरा रायता फैल गया। नहीं, जल्दी बताओ कैसे फैला रायता ताकि हम कर सके तुम्हारी सहायता। ओके बाय। थैंक यू। अभी बताता हूँ मैडम, ये क्या है कि शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा ससुर है ना वो एक तांत्रिक है। मैडम बड़े अजीब अजीब किस्म के काम सौंपता है वो मुझे। कल रात को 12 बजे मुझे कहने लगे कि जाओ शमशान जाओ और 3 चमगादड़ पकड़ के लेके आओ। अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि जाओ एक सफेद कौवा और एक उल्लू की फोटो खींच के लाओ। कैसे पॉसिबल है मैडम, मेरा रायता फैल गया। और सबसे बड़ा रायता तो तब फैला मैडम जब उन्होंने मुझे कहा सुहाग रात के दिन। कितना कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है ना, सुहाग रात के दिन, रात और दिन। तो उन्होंने मुझे सुहाग रात को मुझे कहा कि जाओ नदी के तट पर बैठो और ये जितने नींबू पड़े हैं वो निचोड़ो।
मैडम निचोड़ निचोड़ के मेरा रायता फैल गया। अबे तो तू के चाह रहा है कि हम निचोड़ लें नींबू वगैरह हैं, या हम जो है चिमगादड़ और कौआ और मुर्गा वर्गा की फोटो यहाँ हम आशा कलर लैब खोल लें? नहीं नहीं मैडम, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये तांत्रिक ससुर को आप यहाँ पे बुलवाए और उन्हें समझाए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि बेसिकली अरे यार रामकली और चंपाकली को तो जानता हूँ, ये बेसिकली कौन है यार, नहीं आई है क्या एरिया में? सॉरी मैं डोंट वरी यार, यहाँ ये सब चलता रहता है, तुम सिर्फ मेरी तरह हंसो ऐसे। मैडम बेसिकली ना मैं चारकोप किस्म का डरपोक किस्म का आदमी हूँ मैडम, और ये चुड़ैल भूत प्रेत ये सब नाम सुन के मेरा रायता फैल जाता है। सही है, बुलवाएंगे हम थारे ससुर ने, तांत्रिक बाबा ने। ओके चल तू जा यहाँ से। हाँ हाँ चलता हूँ, क्योंकि मुझे शमशान जाके जलती हुई चिता पे बासमती राइस पकाने। ससुर जी ने कहा था रायता फैल गया चिता। चिता? अरे मैडम आपको एक बात बतानी थी। ना तो कब बताएगा। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम आज एक चौकी में आदमी आया था, एक फूलों का ऐसा टायर लेके चौकी के बाहर, उस टायर को उसने रखा और बार बार बोल रहा था डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन। हाँ जी जी मम्मी जी, वो ये भी कह रहा था यहाँ उसके डैडी जी सो रहे हैं। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस चौकी में दो गज जमीन के नीचे सचमुच कोई सो रहा है? भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा राक्षस वगैरह यो सब जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसमें कुछ ना होता विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सुपरस्टिशन है ये। मैडम अगर होता होगा तो भाई ऐसा है, अगर होता होगा तो आज मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगा रही हूँ चौकी में, नाइट ड्यूटी, फुल नाइट ड्यूटी करो। और अगर तो रात को कोई दिख जाए हैं भूत वगैरह तो उससे अगर बच जाओ तुम लोग तो मन ने बता देना, तो आई विल बिलीव यू। ओके मैडम नाइट नहीं मैडम, ठीक नहीं मैं घर जाऊंगी। ये कोई तरीका है चलने का? यार गैस हो गई, छोले भटूरे खा लिए थे तो पेट खराब होता है तो ऐसे चलते हैं। ओह मगर देखो चल के देख तू शायद ठीक हो जाए। ओके कौन हो तुम? हम हाय डैरी जॉन। वेयर हैव यू गॉन वाले जी? हाँ ये चौकी एक कब्रिस्तान के ऊपर है। हम इधर पिछला 30 साल से सो रहा हैंगा। तुम लोग इधर चौकी बना के हमारा नींद खराब किया हैंगा। सॉरी हमारा नींद और डिस्टर्ब करेंगा तो पेनल्टी भरेंगा। कैसी पेनल्टी था जी? हम तुम सबका लाइफ का डिंग डोंग बजाएंगा।
बिल्कुल ही दोस्ताना पार्ट टू बना रहे हैं चौकी में रोजा एंड रोजी गेटिंग कोजी। अरे मैडम भूत 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 आत्मा है जी आत्मा। अबे क्या बकवास कर रहे हो दोनों। अरे मैडम कल रात चौकी में मैडम हमने भूत देखा मैडम, वो 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 वायलिन बजाने वाला भूत, वो डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन वाला भूत। भूत भूत कहाँ है भूत? अरे सर यहाँ, सर यहाँ इस चौकी में भूत है सर, सर हमने देखा सर अपनी आंखों से। He is right. ये सही कहता है। इधर में हमारा डैडी जॉन रहता है। ओ डैडी जॉन, वेयर हैव यू गॉन? कौन डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन। ओह। आज से 50 साल पहले इधर में कब्रिस्तान था और ना जाने कितना लोग इधर आराम से सोता है। और जब हम 30 साल के बाद लंदन से वापस इधर को आया तो सरकार ने इधर में चौकी बना दिया। आप सच कह रहे हैं? यस मैन। और इस वक्त तुम जिधर में खड़ा है उधर मारिया आंटी पड़ा है। ओह हेलो मारिया। मारिया 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 हम तुम लोगों से अभी भी कहता है जल्दी से ये चौकी खाली करके चले जाओ और हमारा डैडी जॉन और बाकी का सारा लोगों को इधर पे आराम से सोने दो। सोने दो? अबे ओ एंथनी गोंजाल्विस साले, मैं इस जेल के अंदर तैने सुला दूंगी, ज्यादा बकवास करी यहां तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है मत मानिए, मत मानिए मत मानिए, लेकिन अब इसके बाद यहां पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। Oh, Daddy John, where have you gone? इस वक्त तुम जिधर बैठा है उसका ठीक नीचे डिसूजा अंकल लेटा है। अब इधर मारिया है। अरे सर प्लीज सर। वैसे चंद्रमुखी जी मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता चंद्रमुखी जी, लेकिन 30 साल पहले की बात है, यू नो मतलब 30 साल पहले मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब आई डोंट बिलीव सर कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी एक सीनियर लेवल का अफसर ऐसी बकवास बातों पे और ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन को जो है बढ़ावा दे रहा है और खुद तो डरे ले ही रहा है और बाकियों को भी लपेटे में ले रहा है बिल्कुल ही। ओके मैडम मैं आ गया हूँ। मितवा और साथ में मेरे ससुर को भी लाया हूँ। मारो आप ही समझाइए इन्हें, तो मेरा तो समझा के रायता फैल गया। बम भट, बम भट आप महेश भट के रिश्तेदार हैं क्या? तू इमरान हाशमी से? बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी में। ओ हिले ले, क्यों अपने जो है दामाद को परेशान कर रहा है तू? नहीं इसको जो है उल्लुओं की और चमगादड़ों की और सारे पक्षियों की फोटोएं खींचने भेज देवे और शमशान जो है भेज देवे कुकिंग वुकिंग कराने। बम भट हमें महान तांत्रिक बाबा बोतलानंद। ओहो पाजी आप भी बोतल वाले लगते हैं जी। हुई 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 हुई। लगते क्या है, हम बोतलें साथ लेके चलते हैं। लो पकड़ो। अरे ये तो खाली है। खाली है तो क्या हुआ, इसमें हमने मुर्दाबाद का, मेरा मतलब मुरादाबाद का हमने अड़ियल भूत पकड़ के रखा है। ओ, और इसमें हमने होशंगाबाद का जड़ियल भूत पकड़ के रखा है। पकड़ो और कदम हो गई, ये तुम पकड़ो। और मैं थारे जैसे बड़े बड़े पाखंडियों को जेल में बंद कर देती हूँ।
क्यों अपने इस दामाद ने सता रहा है तू? हमारी इकलौती कन्या है, ये हमारा घर जमाई, ये संभालेगा हमारी सारी कमाई, इसलिए इसको सब कुछ सीखना होगा। हड्डी वाले बाबा क्या सूंग रहे हैं? सर आपसे कितनी बार कहा है सर, मुंह से जरा साफ पहन के आया कीजिए। आत्मा, आत्मा, इस चौकी में आत्मा है, एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। निकलो, निकलो चौकी से निकलो। एक, दो। ओके। अरे मैडम सुना आपने, तांत्रिक बाबा ने भी कहा कि यहाँ भूतों का वास है और आप कह रही हैं कि बकवास है। चल हट। हाँ जी जी मम्मी जी, हमने अपनी आंखों से देखा जी। वैसे चंद्रमुखी जी मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम उस तांत्रिक को यहाँ बुला लेते हैं और डिटेल। नहीं, आज की रात इस चौकी में मैं अकेले नाइट ड्यूटी दूंगी। अगर तो मन ने कोई भूत दिख गया तो बेल एंड गुड, और जो ना दिखा तो तुम लोगों का मार मार के भूत मैं बनाऊंगी। आज रात होगी नाइट ड्यूटी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.